में स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं प्लेन टेबल सर्वेक्षण, जिसके अंदर हम विधि देखेंगे ट्रेस पेपर वाली विधि। उसकी जो प्रक्रिया है पूरी विवरण के साथ हम देखने वाले हैं। हमारे साथ हमारी टीम है, जिसमें हमारे प्रिंस भैया, राहुल भैया, नवीन भैया और सुनील भैया, और मैं हूँ आप सभी का प्यारा दोस्त अभिषेक भैया। और हमारे जो भाई कैमरा मैन है उनका नाम है भारत भाई, और जो हमारे एक भाई और गए वो उनका नाम है धर्म सिंह भाई। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं विवरण के साथ किस प्रकार से इसको सेट करना है। देखिए, सबसे प्रथम हम प्लेन टेबल को सेट करेंगे कहीं भी एक जगह, क्योंकि हमें अभी तक हमने तीन पॉइंट हमारी सीट में नहीं दर्शाए। सबसे पहले हम हमारी सीट में तीन पॉइंट दर्शाएंगे, जो कि हम भूतल से भी लेंगे, और फिर बाद में हम पी स्टेशन को दर्शाएंगे। वो किस प्रकार दर्शाएंगे वो सब हम आगे देखने वाले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम प्लेन टेबल को सेट कर लेंगे और ट्रस कंपास की सहायता से हम नॉर्थ दर्शाएंगे, और साथ ही में लेवल की सहायता से हम पूरी शीट का लेवल कर लेंगे। ये हमारा सबसे पहला काम रहेगा। और साउल पेंट की सहायता से हम एक पी स्टेशन दर्शाएंगे, जिसके द्वारा हमारे तीन पॉइंट्स हैं ए बी सी, उन्हें देखेंगे एलईडी की सहायता से। वो किस प्रकार देखेंगे वो सब आगे वीडियो में देखते हैं। देखिए, हमने प्लेन टेबल को साउल पेंट चिमटे की सहायता से हमने पी स्टेशन, जो कि इस समय वर्तमान में हमारा पी स्टेशन है, ये दर्शा दिया है भूतल पर भी। और अब हम एलईडी की सहायता से हमारे जो भूतल पर पॉइंट्स हैं ए बी और सी पॉइंट्स हैं, जो हमने तीन पेड मान लिए हैं, अब हम इन्हें हम एलईडी की सहायता से देखेंगे और अपनी ओर रेखा खींचेंगे कुछ इस प्रकार हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पूरी सर्वे करवाई थी, खरीदारी कराई है, तो देखिए सामने जो आपको एक तावा दिखाई दे रहा होगा, उसमें से हमें जो हमारा केंद्र है उसे देखना है। जो दिखाई दे जाए फिर हमें अपनी ओर एक रेखा खींच लेनी है एलईडी की सहायता से, और जो हमारी दूरी है इसे हम फीते की सहायता से नाप लेंगे और प्लेन टेबल पे हमारी सीट के ऊपर दर्शा लेंगे। नवीन साइड मुझे क्लास पसंद ना लिया करे। देखिए, अपनी ओर एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार, ये हमारा पॉइंट ए मानेंगे हम, और इसकी फीते की सहायता से हम दूरी नाप लेंगे कितने मीटर है बता रहे हैं सर, 14.55। ये हमारी है 14.55 मीटर, फिलहाल हम मीटर में दर्शा लें, बाद में हम आरएफ निकाल के फिर इसे सेंटीमीटर में बना लेंगे। अब हम साउल पिंड को तो हटा देंगे साइड में, और अब हम फिर से एलईडी की सहायता से सेकंड पॉइंट बी को देखेंगे। अब हमने इसमें एलईडी की सहायता से सेकंड पॉइंट बी को देख लिया है, वहाँ आपको भूतल पर भी वो पॉइंट दिख रहा होगा 11.40। जूम कर दिख रहा है। देखिए, हमने एलईडी की सहायता से अब हमें बी पॉइंट को हमने देख लिया है इसमें, और अब अपनी ओर फिर से एक रेखा खींचेंगे और फीते की सहायता इसकी दूरी नाप लेंगे 11.40, जिसकी आई इसकी 11.40 मीटर। अब हम फिर से एलईडी की सहायता से हमारा पॉइंट नंबर सी देखेंगे, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, वो वाला पेड़ है एनआईटी, जो कि हमारे सुनील भैया लेके खड़े हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, सुनील भैया देख रहे हैं, और इसकी भी हम फीते की सहायता से दूरी नाप लेंगे और एलईडी की सहायता से पॉइंट को देख लेंगे। ये पाठा को उठाते हैं साइड में सुनील। अरे ऐप कर रहे थे यार, कितनी दूरी इतनी है आपको दिक्कत कौन, अरे बस लगा दूरी कितनी, ये बी और ये सी पॉइंट हो चुके हैं। अब हम आरएफ मान रहे हैं 100, और इनकी जो लंबाई है सेंटीमीटर में हम दर्शा देंगे, और जो एक्स्ट्रा लाइन है उन्हें हम इरेजर की सहायता से समाप्त कर देंगे। देखिए, अब हमारी सीट कंप्लीट हो चुकी है, और हमारी सीट में ए बी पॉइंट हमने दर्शा दिए हैं, और साथ ही में हमें यह भी पता है कि जो हमारे भूतल पर ए बी और सी पॉइंट है, दिखा उधर, वो भी हमें पता है कौन कौन से हैं। अब हम यहाँ पर पी डैश स्टेशन को दर्शाएंगे, यानी कि अगर मान लीजिए हमारा जो हमारा पी स्टेशन है ये अगर यहाँ से हट जाता है और हमें दोबारा से
पी डैश स्टेशन दर्शाना है तो किस प्रकार दर्शाएंगे। अब हम हमारे शीट को यहाँ से कहीं और जगह स्थापित करेंगे और फिर से हम दोबारा पी डैश स्टेशन को दर्शाएंगे। वो किस प्रकार, वो ट्रेस पेपर विधि के द्वारा हम दर्शाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सर, हम कहीं भी दूसरी जगह स्थापित करेंगे, न्यू ले जाते यार उल्टे पीछे हो जाते, और फिर से हम इसका दोबारा साउल पिन से और लेवल से इसका लेवल करेंगे और कंपास से फिर से हम इसको पूरी तरह से सेट करेंगे। ट्रेस पेपर है ना, अब हम ट्रेस पेपर को इस पर कहीं भी अपने हिसाब से सेट कर लेंगे और फिर हम फिर से इसके ऊपर पी स्टेशन दर्शाकर, पी डैश स्टेशन दर्शाकर फिर से ए बी पॉइंट सी देखेंगे। वो किस प्रकार वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। अभी तो हमें इसे अच्छे से टेप के साथ या फिर पेज के साथ आप इसे सेट कर लीजिए कुछ इस प्रकार से। देखिए अब हम साउल पिन चिमटे की सहायता से हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन है पी डैश उस पर आलपिन लगाएंगे। ये रही दूसरी आलपिन आ गई ना। अरे यार ले यार, ले 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 ले, मतलब आ जाएगी कुछ इस प्रकार। हम आलपिन लगा लेंगे और नीचे भूतल पर हम जो हमारा साउल पिन है उसकी सहायता से नीचे का केंद्र दर्शाएंगे। खोल थोड़ा सा, दोबारा से हमारे भूतल वाले ए बी और सी पॉइंट को देखेंगे एलईडी की सहायता से। अब हम इसको साउल पिन को हटा देंगे और अब एलईडी की सहायता से फिर से हम ए पॉइंट को देखेंगे। और देखिए इधर खड़े खड़े, और फिर हम अपनी ओर फिर से एक रेखा खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से। पेन किसी को पेन पेन दूरी नाप ले रुपया करके नाप ले दूरी नाप ले यार एक बार में नाप पाता फोटो में नहीं। ये ले अभिषेक क्या वाला पेन ले आवा पेन सुखी रे इधर रूली चाहिए सर ने पिछले भी पेंच सर ना दिन आल पिन चुबा के कह रही फ्रेंड्स ओए फ्रेंड्स। अब हम बी पॉइंट को देखेंगे एलईडी की सहायता से फिर से। मुझे नहीं पिन चुबा ऐसे करूं मैं फिर बस डायरेक्ट अपनी तरफ करूं बी पॉइंट को लेंगे अब सी को और अब सी को लेंगे www.com देखिए उधर सी तो दोबारा आई तो कौन हम अब हमने फिर से अब हम ट्रेस पेपर के ऊपर ए बी और सी पॉइंट दर्शा देना है और अब हम ट्रेस पेपर को फिर से हटा लेंगे सीट के ऊपर से हमने जो फिक्स किया था। अब देखिए अब हम जो हमारा ट्रेस पेपर था उस पर जो हमारी तीनों रेखाएं हैं हमें हमारी सीट वाले जो पॉइंट्स थे ए बी सी उन रेखाओं से मिलाना है। तीनों पॉइंट्स रेखाओं से जहाँ पे समान मिलेंगे वहीं पे हमारा जो पी स्टेशन पॉइंट दर्शाएगा। तो देखिए थोड़ा सा इधर देखिए तो देखिए अब हमारे तीनों पॉइंट्स इस रेखा से मिल चुके हैं ए बी सी आप थोड़ा गौर करके देख सकते हैं और यहीं पे हम ट्रेस पेपर के अंदर आलपिन की सहायता से अरे वो नहीं ये पॉइंट आ पॉइंट है ये हमारा पी स्टेशन पॉइंट आ चुका है। और ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये आया है पी डैश यानी इस समय हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो हमारी यहाँ पे है। इसकी जांच करने के लिए हम पी डैश से पी जो हमारा पहले का जो पी स्टेशन था उसकी दूरी नापेंगे और यहाँ की दूरी नापेंगे। अगर दोनों सेम आई तो इसका अर्थ है कि हमारा ये प्लेन टेबल सर्वेक्षण बिल्कुल सही है। दोबारा बढ़ेगी हाँ कोई दिक्कत नहीं शुरू कर लें चलेगी। तो देखिए अब हम उस पॉइंट से हमारे जो सीट का पॉइंट है उसकी दूरी नाप लेंगे कितनी आ रही है जमीन पर नाप टेबल पर टेबल पर देख लिए 290 देख दूरी। अब हम इसके लिए सहायता से देखेंगे देखिए फिक्स 290 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर और 9 mm आ रही है जो कि हमारे सीट में 2 सेंटीमीटर और 9 mm आ रही है। इसका अर्थ है कि हमारा जो प्लेन टेबल सर्वेक्षण है ये बिल्कुल राइट है। तो अब हम हमारे प्लेन टेबल सर्वेक्षण कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारी टीम की ओर से आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो हमारा प्लेन टेबल सर्वेक्षण होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।